तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिकली इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर तुम देखोगे, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग करेंट आई फ्लोइंग थ्रू इट बेंट इन ए सर्कुलर लूप ऑफ एंटर, मतलब एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है उसका मैंने एक सर्कल बना दिया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन आया, पहला सर्कल है नंबर ऑफ टर्न्स एन है, चलो ठीक है। और इसमें जो रेडियस है वो आर वन है। इफ इट बेंड इन ए सर्कुलर ऑफ एन टर्न्स, ठीक है, अगर मैं इसको सर्कल स्मॉल एन टर्न्स का सर्कल बनाता हूँ तो रेडियस इसका आर टू हो जाता है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट एट सेंटर इन बोथ द केसेस, मतलब पहले केस में अगर मान लो इसमें करंट की वैल्यू सेम है, आई फ्लो हो रही है, और इसमें भी करंट की वैल्यू आई फ्लो हो रही है, तो इस सेंटर सेंटर ओ पर, इस सेंटर ओ पर दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी टू है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में बी वन अपन बी टू की वैल्यू नहीं है, रेशियो मैग्नेटिक फील्ड इन द बोथ द केसेस, मतलब बी वन अपन बी टू की हमें कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो क्या होता है भाई, पहले केस में देखोगे बी वन की वैल्यू तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर वन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स, ये समझ में आ गया होगा। और दूसरे केस में, इस केस में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट आई करेंट की वैल्यू सेम ले रहा हूँ तो टू आर टू और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एम जिसमें करेंट आई सेम ही फ्लो, इसका मतलब ये हुआ कि बी वन अपन बी टू की वैल्यू जब डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल एन अपन स्मॉल एन, और यहाँ से तुम देखोगे तो बी वन आर टू अपन आर वन, तो यहाँ से तुम देखोगे आर टू अपन, अगर मैं आर टू और अपन एन वन को एन के टर्म में लिख दूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कर एक ही वायर था ये, जब सीधा था वायर, एक ही वायर था तो ये वायर जब सीधा था इस टाइप से तो इसकी लेंथ सेम थी यार, तो सरकमफ्रेंस तो दोनों में सेम होगी ना, फर्स्ट केस और सेकेंड केस में लेंथ सेम होगी, तो यहाँ से टू पाई आर वन की वैल्यू और नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन मस्ट बी इक्वल टू टू पाई आर टू और नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन, तो यहाँ से आर वन अपन आर टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल एन अपन कैपिटल एन, तो ये हमें रेडियस इन द टर्म ऑफ एन मिल गया, तो आर टू अपन आर वन, तो जब यहाँ मैं वैल्यू रखूँगा कैपिटल एन स्मॉल एन और आर टू अपन आर वन इजक्वल टू कैपिटल एन अपन स्मॉल एन, तो ये बनेगा एन अपन स्मॉल एन का होल का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा एन स्क्वायर रेशियो स्मॉल एन स्क्वायर, तो फाइनली कैपिटल एन स्क्वायर ये ऑप्शन सही है, बाकी ये सारे प्यारे बच्चों गलत हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।